नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में आज हम आपको बताएंगे कि बुधवार को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। इन्हीं सबको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी। लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी से चाहूंगी वो आज की 12 राशियों के बारे में बताएं। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजू शुक्ला का ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। इस प्रकार से आपके जीवन में कैसे भी अगर समस्या हो तो उस गणपति की आराधना करने से विघ्न विनाशक जरूर कृपा करते हैं। उन्हीं को याद करते हुए आइए जानते हैं मेष मीन राशियों का हाल है। मेष राशि की अगर बात करें तो कोई विवाद हो सकता है, परिवार में किसी प्रकार से कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है और समस्या आपको आ सकती है स्किन या हेयर फॉल से संबंधित, उसकी तरह ध्यान रखेंगे। संतान की ओर से लेकिन आप जरूर संतुष्ट होते हुए देखे जा रहे हैं। उसके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो योग और प्राणायाम ये उपाय के तौर भी कर सकते हैं। आसमानी रंग और 9 का अंक आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। वृषभ राशि की बात करें, रुके हुए निजी काम निपटाने के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी विशेष कार्य को लेकर आपकी सराहना भी हो सकती है, भूरी भूरी प्रशंसा भी हो सकती है। कारोबार में फायदा होने के यानी लाभ होने के आपके योग देख रहे हैं। पीले रंग के वस्त्र का आप दान करें, पहन भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बादामी रंग आपके लिए लकी चार्म और 11 का अंक आपके लिए भाग्यशाली। मिथुन राशि की बात करें, थोड़ी सी भी लापरवाही रिश्तों में दरार डाल सकती है, इसलिए उधर रिश्तों की तरफ ध्यान देंगे। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य आपकी रहेंगी। वाद विवाद की स्थिति को आप खुद से ही अपने से दूर रखें। स्वयं से शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आशुतोष की कृपा जरूर मिलेगी। गुलाबी रंग 9 का अंक आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। तो महा उपाय में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कर्क राशि की बात करें, गैस या एसिडिटी की समस्या से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। खान पान से संबंधित संयम रखें। करियर संबंधी गलती को सुधारने का मौका, अपनी बात को रखने का मौका जरूर मिलेगा। सेहत संबंधी दिक्कतें भी धीरे धीरे दूर होती हुई देखी जा रही। पार्टनर के बर्ताव में बदलाव आपको नजर आएगा स्पष्ट। माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, अष्टलक्ष्मी की आराधना करें। आपके लिए ये महा उपाय मैरून रंग और 3 का अंक आपके लिए भाग्यशाली। बात करते हैं सिंह राशि की। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको लाभान्वित करेगा। आर्थिक स्थिति लेकिन कुछ मंद रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके सही ढर्रे पे आएगी। घर के बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से जुड़ी हुई कोई अगर परेशानी है तो वो कुछ दिन जरूर रहेगी, स्थायी रूप से नहीं रहेगी। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, आपको अच्छा शुभ परिवर्तन मिलेगा। 7 का अंक लाल रंग आपके लिए भाग्यशाली है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि, बुध की राशि। भूमि संबंधी कोई विवाद आपका हल हो सकता है। कुछ ना कुछ चुनौतियां भी लेकिन सामने आएंगी, लेकिन रियल एस्टेट से संबंधित आप लाभान्वित होंगे। प्रेम संबंधों में मुलाकात और एक मौका जरूर मिलेगा। आपको शारीरिक थोड़ी सी तनाव हो सकता है, बदन दर्द इत्यादि। करियर अपेक्षाकृत अच्छा चल सकता है। सफ़ेद वस्तु का दान आप यदि करेंगे तो आज आपको जरूर भाग्य साथ देगा। सफ़ेद ही रंग आपके लिए स्वयं के लिए 1 का अंक भाग्यशाली रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, व्यक्तिगत समस्या यदि है तो उसके हल होने की संभावना, थोड़ा सावधानी से काम लेने की आपको ज़रूरत है। संबंधों का जरूर नाप तोल के विचार करें। प्रमोशन मिलने की आपको अच्छी उम्मीद भी बरकरार रहेगी। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य आपका बना रहेगा। चींटियों को, जिसको बोलते हैं कीड़ी नगरा सींचना, यानी कि चींटियों को आटा इत्यादि खिलाएँ, अच्छा रहेगा। ऑरेंज रंग 2 का अंक आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा आरामदायक दिन आपके लिए ये। आपको काफ़ी समय से स्ट्रेस जो था वो दूर होगा, एक नई ऊर्जा का आपको संचार महसूस होगा। घर में अनुशासित और व्यवस्थित माहौल आपको प्राप्त होगा। आपको शिवोपासना करनी चाहिए, रुद्राष्टकम इत्यादि जल चढ़ाएँ और उसका पाठ करें। जामुनी रंग और 8 का अंक आपके लिए सुंदर अच्छा प्रभाव देगा। धनुराशि की बात करें तो गुरु बृहस्पति देव की राशि, मांगलिक आयोजन की योजना लगातार आपकी बनेगी। कई सारे मांगलिक कार्य होंगे, अनावश्यक खर्चों से लेकिन आपका कुछ बजट गड़बड़ा सकता है। पहले से उसका आप प्रोविजन रखें। व्यवसाय में उचित लाभ की स्थिति जरूर बनी हुई है। नौकरी में विशेष आपको लाभ हो सकता है। दिया आपको प्रज्वलित करना है, पीपल के नीचे आपको
उपाय ये करना है। छह का अंक लाल रंग आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। बात करते हैं मकर राशि की। फाइनेंस से संबंधित मामलों को बहुत जांच परख के, बहुत देख समझ के ही आप करें। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार आपको प्राप्त हो सकता है। पार्टनर की सही बातों पर में ही उसका आप साथ दें, गलत बातों में साथ ना दें, यानी आज न्यायिक रहें। भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गुलाबी रंग पांच का अंक आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनिदेव की मूर्ति कोण राशि। पारिवारिक रूप से गिले शिकवे दूर होंगे। शनिदेव स्ट्रांग है आपकी राशि पे। मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी आप बना सकते हैं। पार्टनर की आलोचनाओं की वजह से आपके अंदर विवाद इत्यादि आ सकता है। शिवलिंग शिव उपासना सर्वोपरि रहेगा। आपको मिश्री और जल आपको चढ़ाना चाहिए। लाल रंग शुभ है और छह का अंक आपके लिए भाग्यशाली आज के दिन। मीन राशि अंतिम राशि, प्रसन्नतापूर्ण वातावरण आपका घर में बना रहेगा और इसी के साथ आपसी संबंधों में भी मधुरता का एक विशेष कार्य रहेगा। उसमें पार्टनर की बातों को समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। खून से संबंधित परेशानी हो सकती है, जरूर योग और प्राणायाम इत्यादि ज्योतिषीय और शारीरिक उपाय दोनों के रूप से करेंगे। हरा रंग आपके लिए भाग्यशाली है। नौ का अंक भी आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। तो गुरु जी, हमारे खास टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि बुधवार के दिन कौन से उपाय करने से घर में लाभ मिलेगा और घर में सुख समृद्धि भी आएगी। बुधवार जैसे कह सकते हैं गणेश जी का और इसी के साथ लक्ष्मी जी से संबंधित भी है, लेकिन प्रथम पूजनीय गणेश जी को समर्पित है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति सही नहीं है तो व्यक्ति को थोड़ा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुधवार को माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए भी दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ करते हैं तो ये अमोघ उपाय होता है। माता दुर्गा का दुर्गा सप्तशती करने पुण्यकाल में अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरी मूंग की दाल का दान भी करना चाहिए, इससे आपका बौद्धिक स्तर तो सुधरेगा ही सुधरेगा। शिवलिंग पर हरी मूंग भी अर्पित करने से, माँ दुर्गा की उपासना करने से आप शक्तिशाली भी, संपन्नता भी आप प्राप्त करेंगे। और ऋणहर्ता हैं गणेश जी, भगवान गणेश जी को शमी का पत्ता और दूर्वा यदि आप अर्पित करते हैं, बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग इत्यादि खिलाते हैं, तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे शेष लाभ होगा। हाँ, बहन को, भांजी इत्यादि को गिफ्ट देना ना भूलें, ये आपके बुध इत्यादि को मजबूत करते हैं। तो आज आपने जाना बुधवार के दिन कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushuklaonline@gmail.com। तो आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।